Hey there, this is Bhavagna sister and welcome back to our channel. So guys, आज मैं देखने वाली हूँ यंग स्टनर्स का गाना. फाइनली 3 महीने बाद उन्होंने कोई सॉन्ग अपलोड किया अपना, ठीक है, मतलब ऑफिशियल पेज में. वैसे तो वो वॉइस वगैरह, मतलब यू नो ऑडियो साउंड्स वगैरह अलग अलग कभी कभी डालते रहते हैं, बट उनका अभी ऑफिशियली आया है गाना, ठीक है, आज़ाद है. सो देखते हैं कैसा है गाना. और इसको दिया है म्यूजिक जोकी ने, जो कि मोस्टली इनको देते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं इनके सॉन्ग्स वगैरह. सो देखते हैं कैसा है गाना. आज़ाद है ये काइंड ऑफ है ना, ऐसे होने वाला है कि कुछ परिंदे टाइप, यू नो हम खुला उड़ रहे हैं, मोटिवेशनल हो सकता है कुछ. सो लेट्स चेक इट आउट कि ये एक्चुअली कैसा है और कितना अच्छा है. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत टाइम से इनका कोई नया गाना सुन रहा था, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था. तो अच्छा, इन्होंने फाइनली मतलब कुछ ना कुछ तो चलो मतलब अपलोड करा 3 महीने बाद, एक्चुअली 3 महीने बाद. सो स्टार्ट करते हैं. वो ड्रोन का कमाल लग रहा है, स्किन स्क्रीन में धमाल. अरे वो कौन था? ये जश्न है अब सोच की आजादी का, कंधों पे ना पहन वो जब तू माजी का. हम रोज आगे बढ़े, रोज करें ग्रो, फाइटर फ्लोज मेरे मुझसे चलते रहे, चले जो लेट इट बी नोन, हम वक्त बदल देंगे, हसल करते करते जानी सब बदल देंगे. वी पुल अप विद द फ्लैग, द ग्रीन एंड द व्हाइट, मेरा माइंड फ्री जब तक फ्रीडम इज ऑन माय माइंड. झांक अपने आप में, देयर इज समथिंग इनसाइड यू. शाहीन है तू, कलाकार की कला है तू, डट के लड़ा है तू, गिरा नहीं खड़ा है तू, दुनिया हुई हैरान के किस मिट्टी से बना है तू. आजाद है, आजाद है, आजाद है, अब आई चारों तरफ से आवाज, ये आजाद है, आजाद है, आजाद है, विजनरी और आजाद ख्यालात है, कभी होता नहीं डाउन एंड आउट, लव फॉर माय पीपल लाउड एंड प्राउड, साथ चले साथ किए पहाड़ सर, हार्ड आते सारे मेरे लोग आते हार्डर. दिलों की जान है, इस मिट्टी की पहचान है हम, खाली मैदान जब भी आते हैं तूफान से हम, मुल्क की शान लाए अमन का पैगाम भी हम, मैं उसी चांद का सितारा हमें जानते सब, फखर अपने लोगों पे निकले हुए हम, तो रोडों पे चाहने वालों के होठों पे होते ये लफ्ज फोटो ने, आजाद शायरी का माहिर बना खाक से, लोगों की उम्मीद हम उजागर करें रास्ते, अपनों से फासले फिर भी ना टूटे रास्ते, सोचिए आजाद गूंजे कानों में आवाज, ये आजाद है, आजाद है, हम पाकिस्तान है, हम जिंदाबाद है, फ्यूचर माइन, आई एम अहेड ऑफ माय टाइम, आई स्टिल शाइन व्हेन आई राइम, मेरा विजन डिजाइन शुरू से स्टाइल, मेरा वाइल्ड आई सी पिजन्स हू फ्लाई, एमिंग हाई टू द स्काई, ऑलवेज ट्रिगर टू ग्राइंड, मेहनत अपने खून में, मंजिलों को ढूंढते, गुलशन का इकबाल जैसे कलम आज भी टूटते. आजाद है, आजाद है, आजाद है, अब आई चारों तरफ से आवाज, ये आजाद है, आजाद है, आजाद है, विजनरी और आजाद ख्यालात है, कभी होता नहीं डाउन एंड आउट, लव फॉर माय पीपल लाउड एंड प्राउड, साथ चले साथ किए पहाड़ सर, हार्ड आते सारे मेरे लोग आते हार्डर. ओके, सो मैं समझ गई, मतलब बेसिकली ना ये जो सॉन्ग है ये मतलब उस चीज़ के लिए है, यू नो पाकिस्तान का भी फ्रीडम डे आने वाला है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, और हमारा भी आने वाला है, तो मे बी ये उस थीम को लेकर बना होगा. सो गाइस, गाना तो बड़ा ही मस्त है, मतलब यू नो आज़ाद है, आज़ाद है, आज़ाद है करके काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सॉन्ग है. और यू नो वॉट, इसको देख कर ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कि मतलब ये इंडिपेंडेंस डे आने वाला है पाकिस्तान का 14 अगस्त को, एंड देन 15 अगस्त को हमारा है, ठीक है, इंडिया का. सो मतलब ये उससे मिलता जुलता कुछ लग रहा है कि शायद ये उस थीम को दे मतलब मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है शायद कोई सॉन्ग, ठीक है, पाकिस्तान को मतलब चेयर अप करने के लिए, और मे बी सब कॉन्ग्रेच मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए. एंड बीच में ना मैंने पता है एक दो ऐसे मतलब झलक देखी और ऐसे थोड़ी वाइब्स लगी मुझे, थोड़ा मुझे लॉजिक लगा कि इसी में ना मतलब इंडिया को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलने की कोशिश की गई है, क्योंकि मैंने 2 बार इसमें ऑरेंज कलर देखा, एंड 1 बार तो मैंने ऑरेंज और ग्रीन साथ में देखा, वो भी सीक्वेंस में, मतलब जो वो 2 इंसान आ रहे थे बीच बीच में, वो मे बी वो क्या कहते हैं DOP और वो डायरेक्टर थे, और वो कैमरा मैन था शायद, कोई तो था उनमें से, बट 2 लड़के थे, उन्होंने ग्रीन और ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी थी, तो मतलब मैं कुछ मतलब ना मतलब रिकॉग्नाइज कर पा रही थी कि काइंड ऑफ मतलब हमें भी शायद
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलने की कोशिश किया, तो अगर ऐसा किया है तो थैंक यू सो मच, आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जो आने वाला है, हम आपका भी और हमारा भी। सो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, यू नो काइंड ऑफ ना ये गाना पता है वाई भी था, और ये काइंड ऑफ ना मोटिवेटेड भी था एज अ नेशनलिस्ट, मतलब कि हम अगर मतलब ये अब जो लोग पाकिस्तानी हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यू नो नेशनलिस्ट सॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटिवेट करने वाला है, और इसी को इसी सॉन्ग को हम भी अपने वे में लेके देखेंगे तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएगा, यू नो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा कि मतलब हमें अपने देश से प्यार है, ऑब्वियसली सभी को अपने देश से प्यार होता है। और इस वीडियो में जो जो यंग स्टनर्स थे वो काफ़ी कूल लग रहे थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनका कैजुअल स्टाइल था इस टाइम, इस बार काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कैजुअल स्टाइल कर रखा था, वेल बेसिकली वो कैजुअल और यू नो फॉर्मल्स पहन थे, बट इसमें काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा ही कैजुअल था। एंड यू नो वॉट, एक और चीज़, वीडियो क्रिएटिंग जिसने भी की थी माशाल्लाह बहुत अच्छी की थी, माशाल्लाह क्या बोल रही मैं, बट यू नो मेरे मुँह से निकल गया, बट कोई बात नहीं, सच में बहुत ही अच्छी किया था, सच में बहुत ही अच्छा किया था, कितना ज़्यादा यू नो इतनी सारी वेरिएशन दिखाई थी, कितनी अच्छी ट्रांजिशन थी, ऐसे करके घूम रहा था, ऐसे करके वैसे करके, बहुत ही ऑसम था, बहुत ही ऑसम ऑसम ऑसम, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। यू नो मैंने ऐसी वीडियो एक बार देखी थी एक फॉरेनर की, जो कि मोस्टली ना इंडिया घूमता रहता है, मतलब इंडिया के कल्चर वगैरह वो सीखता रहता है, देखता रहता है, तो इसलिए वो इंडिया आता रहता है, तो वो ऐसी वीडियोस बनाता था, मतलब जैसे कि होली हो रही है तो मतलब लोगों के ऐसे फेस पे कलर लग रहा है, तो यू नो वो ऐसे करके शूट करता था, एकदम से दिवाली आ रही है, देन एकदम से रिवर्स आ रही है, इतनी सारी पहाड़ आ रहे हैं, बीचेस आ रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें मतलब वहाँ पे मेरे को देखने को मिली थी, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा है प्रॉपर तरीके से, इतना सुंदर तरीके से, तो मुझे पर्सनली ये वीडियो स्पेशली बहुत अच्छी लगी, जिसका वीडियो क्रिएटिंग था एंड जो सॉन्ग था वो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा था, उसके लिरिक्स भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे यू नो देश लवर थी ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो रहा कि मैं हिंदी बोल रही हूँ तो इंग्लिश बोल रही हूँ, खैर जो भी यार, मुझे बहुत मज़ा आया, होप करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, और यू नो वॉट, पाकिस्तानियों को, जितने भी लोग यहाँ पे पाकिस्तान से हैं उन सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जो कि 14 अगस्त को आने वाला है, अगर आप मुझे भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कह रहे हैं उसके अगले दिन के लिए, तो आपको भी थैंक यू, ठीक है, मेरी तरफ से और इंडिया की तरफ से एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली, मुझे गाना तो अच्छा लगा बट इस टाइम मुझे गाने से ज़्यादा वीडियो क्रिएटिंग बहुत अच्छी लगी कसम से, काफ़ी कूल थी और काफ़ी न्यू थी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश लगा देखकर। सो होप करती हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए गाइज बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।